हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख पा रहे हो टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के लिए एक विशेष वीडियो श्रृंखला चली क्रमबद्ध तरीके से। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में फ्री में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक का सब्जेक्ट, संपूर्ण इकोनॉमिक का सब्जेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। संपूर्ण जो इकोनॉमिक मिलेगी, संपूर्ण इकोनॉमिक को हमने क्या किया था, पाँच आठ वार्डों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। आठ वार्डों में मैंने चार पार्ट कंप्लीट पढ़ा दिए, पांचवा पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। कल इसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। कल का वीडियो लास्ट वीडियो रहेगा, आज का सेकंड लास्ट वीडियो है। आज और कल में इसको कंप्लीट करवा रहे हैं। और एक चीज़ याद रखो, जितना नया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पर लिंक दे रखा है, लिंक से आप ज्वाइन कर लो। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पर 10-15 रुपये डेली कंटिन्यू होकर क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है ना, कुछ हो रही है। 10 क्वेश्चन मिलते हैं, 10 क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। किस हिसाब से सही हो रहा है आप खुद डिसाइड करो। देखो भाई, किस मैटर पर आपको चाहिए वीडियो, वो भी बताते रहो ताकि हमें पता चलता रहे। आ जाओ भाई, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कह रहा है भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन करता है, बताओ भाई। पूंजी निर्गमन नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारतीय कंपनी लिमिटेड या सेबी। ए बी सी ये डी, ठीक है ना, भारतीय कंपनी लॉ बोर्ड लिखा है, बताओ भाई कौन सा सही हो गया। कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ये सेबी करता है। डी नंबर सही हो गया। अगले प्रश्न आ जाओ भाई। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रक में है, बताओ भाई। एक्जिम बैंक, आईडीबीआई बैंक, नाबार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ए बी सी डी, फटाफट बताओ भाई कौन सा सही हो गया, कौन है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, डी नंबर सही हो जाएगा क्या, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नांकित में से कौन एक अन्य से भिन्न है, बताओ भाई। कह रहा है यूटीआई, कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विस, या सी पे कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूंजी बाजार, या कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, बताओ भाई कौन सा सही हो गया। ए बी ए बी सी ई डी, फटाफट बताओ मेरे को कौन सा हो गया भाई, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, डी नंबर सही हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ, अलग हो गया, मतलब सबसे अलग है, अलग की बात कर रहा था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है आपका भारत में, ठीक है, भविष्य निधि है, बताओ भाई क्या है। कह रहे संविदा आधारित बचत, अवशेष बचत, स्वैच्छिक बचत, या नियोक्ता की बचत। ए बी सी ये डी, फटाफट बताओ कौन सा सही हो जाएगा, क्या है ये। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ये क्या है, संविदा पर आधारित बचत होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, बताओ भाई। आई डी बी आई, आई सी आई सी आई, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, या भारतीय रिजर्व बैंक। ए बी सी ये डी, बताओ भाई कौन सा सही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, सी नंबर सही हो जाएगा, अंग नहीं है ये, बाकी अंग है। अगले प्रश्न आ जाओ भाई, अगला प्रश्न आपका कह रहा है सरकार ने बीमा व्यवस्था के नियमन के लिए गठन किया, बताओ भाई। कह रहा है सेबी का, आरबीआई का, इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण के, जीआईसी के। ए बी सी ये डी, बताओ भाई कौन सा सही हो गया, कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या है, इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण का, सी नंबर सही हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित, बताओ भाई। ए पे कह रहा है कटे फटे पुराने करेंसी नोटों से, सोना चांदी या सराफा से। सी पे कह रहा है सरकारी प्रतिभूतियों से। टी पे कह रहा है निगम ऋण पत्र से। ए बी सी ये डी, बताओ भाई कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, आप लोग कमेंट्स करके, सी नंबर सही हो गया, सरकारी प्रतिभूतियाँ होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में निम्न क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है,
ए पे बताओ बैंकिंग तथा वित्त क्षेत्र, बी पे निर्यात क्षेत्र, सी पे घरेलू क्षेत्र, डी पे निजी कारपोरेट क्षेत्र। ए बी सी ये डी बचत की बात कर रहा है, बताओ अभी कौन सा सही हो गया। सी नंबर, ठीक है सी नंबर है घरेलू क्षेत्र जो सर्वाधिक बचत करता है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कथन ए, ठीक है ना कथन और कारण दिए। कथन ए कह रहा है मुद्रक अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। कारण बता रहा है अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है, ठीक है ना यही तो होता है। ए पे कह रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही, ए बी सी ए डी बताओ भाई सोचो और बताओ कौन सा सही हो जाएगा। अच्छा बताओ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है ना ए नंबर सही हो गया, ए नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन एक निजी बैंक है, बताओ भाई इलाहाबाद बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। ए बी सी ए डी बताओ भाई निजी बैंक बताना है कौन सा है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना पंजाब बैंक। अगला प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कौन एक कथन सत्य है, बताओ भाई। ए पे कह रहा है एक्सिस बैंक है, बी पे कह रहा है यह मुद्रा को नियमित करता है, बी सी पे कह रहा है ए और बी दोनों सही है, डी पे कह रहा है इनमें से कोई सही नहीं, ए बी सी ए डी बताओ कमेंट करके बताओ। क्या कह रहा हूँ, अच्छा ठीक है सी नंबर सही, सी नंबर सही है, ठीक ना ए और बी यानी कि यह शीर्ष बैंक है या मुद्रा आपूर्ति को भी नियंत्रित करता है। हाँ भाई अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न कथनों से बम्बई शेयर बाजार के लिए कौन सा कथन सही है, बताओ भाई। ए पे कह रहा है भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है, बी पे कह रहा है इसे दलाल स्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है, डी पे कह रहा है इसे इसके शेयर सूचकांक को सेंसेक्स नाम से जाना जाता है, या कह रहा है उपरोक्त सभी सही है, ए बी सी डी बताओ भाई कौन सा हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना उपरोक्त सभी सही हैं। अगले प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है करें निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बताओ भाई। सेबी प्रतिभूति बाजार नियमन संस्था है, आरबीआई बैंकिंग नियम अथॉरिटी है, और सी पे कह रहा है आईडीबीआई विश्व बैंक है, और डी पे कह रहा है एसबीआई वाणिज्यिक बैंक है। ए बी सी ए डी बताओ भाई कौन कहाँ कौन किससे संबंधित हो गया, किससे कौन सा, अच्छा अच्छा ठीक है ना सी नंबर आईडीबीआई जो विश्व बैंक नहीं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक युग में सही सम्मिलित है, बताओ भाई। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स का है, सेंसेक्स है वहाँ का, कह रहा है राष्ट्रीय इसका एक्सचेंज एन वाई यानी कि नाई से है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज निकी है। ए बी सी ए डी एक सिर्फ एक सही सम्मिलित है बाकी सब गलत है, बताओ भाई कौन सा सही है। ऊपर बताया था बम्बई स्टॉक एक्सचेंज क्या, बम्बई का स्टॉक एक्सचेंज क्या सेंसेक्स है, ठीक है ना ये नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया वो तथा वसूला जाता है, किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है, ठीक है कारपोरेशन कर, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर, रेल किराए तथा माल भाड़े पर कर या सीमा शुल्क। ए बी सी ए डी बताओ भाई कौन सा सही हो गया। बी नंबर, ठीक है ना कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर, ठीक है ना बी नंबर सही हो जाएगा, वैसे और भी बहुत ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, बताओ भाई। शाख पर नियंत्रण, मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण या रुपए के बाहर मूल्य का नियमन। ए बी सी ए डी बताओ भाई कौन सा सही हो गया। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना राजकोषीय घाटे का नियंत्रण, सी नंबर सही हो गया भारतीय। अगला प्रश्न देखो, सी नंबर सही हो गया उसका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है, बताओ भाई। NSSO, SBI, सेल या सेबी। ए बी सी ए डी बताओ भाई कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर। अरे शेयर बाजार का था तो क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हो गया, सेबी है, डी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न करेंगे, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक बताओ। नाबार्ड, SBI, ICICI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ABCD। देखो व्यापारिक बैंक की बात कर रहे हैं, बताओ भाई कौन सा हो गया। बी नंबर ना, हाँ SBI। क्वेश्चन रिपीटर, क्वेश्चन का स्वरूप बदला है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अप्रासंगिक है, बताओ भाई। सेंसेक्स, BSE, निफ्टी, SIPS, ABCD, कौन सा हो गया ये। नहीं नहीं गलत, ठीक है ना, डी नंबर सही हो गया, SIPS। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा है केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है, बताओ भाई। राजस्व व्यय, मुख्य उत्पादन, ब्याज की अदायगी, राज्यों को भुगतान, ABCD, कौन सा हो गया बताओ। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या ब्याज की अदायगी। अगला प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, कह रहा है भारत में कृषि को वित्त देने वाली संस्था से संस्था है, कह रहा है RBI, नाबार्ड, सहकारी समिति, भारत सरकार, ABCD, बताओ कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, क्या नाबार्ड है। अगले प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका, कह रहा है मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, बताओ भाई। SEBI, RBI, वित्त मंत्रालय, योजना, ABCD, बताओ भाई। मौद्रिक नीति का निर्माण की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कौन करता है, ये RBI करती है। अगला प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है, कर आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड जिसमें से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, बताओ भाई। कर पते का प्रमाण, पहचान पत्र का प्रमाण, या कर पंजीकृत करदाता का प्रमाण, या जन्मतिथि प्रमाण, ABCD। अच्छा पैन कार्ड में देखो, अपना अपना पैन कार्ड निकालो, देखो उसमें क्या क्या लिखा है, ठीक है ना, जितना लिखा उतना प्रमाणित हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता, क्या उसमें पता होता है, नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए क्या नंबर, ए नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इराडा यानी कि IRDA नियमन करती है, बताओ, बैंकिंग कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, फुटकर व्यापार का, या कह रहा है उपरोक्त पे से कोई नहीं, ABCD, बताओ भाई कौन सा हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, क्वेश्चन रिपीटेड है, बीमा कंपनियों का। अगला प्रश्न देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिपीट भी होता है, कह रहा है एक्सरीज शब्द संबंधित, बताओ भाई, बैंकिंग से, बीमा से, शेयर बाजार से, किसी से नहीं, इनमें से, ABCD, बताओ भी कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, बीमा से संबंधित एक्सरीज। अगला प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न चार विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं किसी एक, ठीक ना, की अधिक शाखाएं हैं, बताओ भाई, कह रहा सिटी बैंक, BNP पारिस बस बैंक, या कह रहा ईस्टर्न चार्टर बैंक, HSBC बैंक, ABCD, बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ईस्टर्न चार्टर बैंक है, ठीक है ना, सी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, करा हुआ कौन सा बैंक है जिसने, ठीक है, कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए, बताओ भाई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, PNB, इलाहाबाद बैंक, या SBI, ABCD, बताओ भाई कौन सा हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, क्या SBI, ठीक है ना, डी नंबर सही हो गया। अगले प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वाणिज्यिक बैंक में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों का अर्थ बताओ भाई। ए पे कह रहा है बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जा सकता, बी पे कह रहा है पूंजी परिसंपत्ति जो प्रयोग में नहीं है, सी पे कह रहा है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, डी पे कह रहा है कम ब्याज वाले ऋण, ABCD, बताओ भाई कौन सा हो गया। सी नंबर, ठीक ना, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, ठीक है ना, सी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा है राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था, बताओ भाई। ए कह रहा है सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन का प्रावधान करने है, तो बी पे कह रहा है सार्वजनिक सुरक्षा हेतु, ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु, या उद्योग की पुनः संरचना आधुनिकरण हेतु, ABCD, बताओ भाई कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, उद्योग की पुनः संरचना में आधुनिकरण हेतु, ठीक है ना, डी नंबर सही हो गया, डी नंबर। अगले प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक ना, देखो क्या है,
ये भारत में कृषि तथा बैंकिंग एवं वित्त की बात चल रही थी, ठीक है ना। तो जैसे ही कंप्लीट होता है फिर इसके बाद आपको क्या अंतर्राष्ट्रीय पढ़ाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं इकोनॉमिक में उसको पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद सोचे कि समझे कि क्या नाम से नीति तो आपको पढ़ा दे, जो कि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाएंगे ज़रूर, अच्छे से पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार के नहीं छूटेगा, इतना ज़रूर याद रखो। बताओ भाई क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशा है। हाँ भाई मालूम है, ठीक ना, परेशान ना हो। कह रहा है ए पे कह रहा है सिक्योरिटी में व्यापार करना, बी पे कह रहा है विदेशी मुद्रा में नीलामी करना, सी पे कह रहा है सोने का व्यापार, डी पे कह रहा है उक्त में से कोई नहीं, ए बी सी डी। बकलो रहते हो का बताए तो। हाँ वेट करो, बताओ कौन सा सही हो गया। ओपन मार्केट के बारे में बताना है, बी नंबर, ठीक है ना। क्या विदेशी मुद्रा, ओपन मार्केट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ए नंबर सही हो जाए, सिक्योरिटी में व्यापार करना, ठीक है ना, ए नंबर सही हो गया। हाँ ओपन मार्केट का मतलब सिक्योरिटी में व्यापार करना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो यह, ठीक ना, बराबर बताओ भाई क्या हो जाएगा। कह रहा है बजट घाटे के बराबर हो गया, राजकोषीय घाटे के बराबर, घाटे की वित्त व्यवस्था के, आगम घाटे के, ए बी सी डी। बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा। बी नंबर, ठीक है ना, राजकोषीय घाटा बी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न बताओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कर आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि, बताओ अभी कह रहा सरकार के ऋण में कमी आती है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, देश में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आता है, या डी पे कह रहा वंचित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ता है, ए बी सी डी। बताओ अभी कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है, बी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न पा भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, कह रहा है समिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है, बताओ भाई। कह रहे जीवन बीमा निगम पॉलिसी, बैंक का सावधिक जमा, किसान विकास पत्र, कंपनी का ऋण पत्र, ए बी सी डी। बताओ भाई कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, क्या कंपनी का ऋण पत्र, डी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, कह निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है, बताओ भाई। कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, विनिमय बैंक, या आरबीआई, या वित्त मंत्रालय, ए बी सी डी। बताओ भाई कौन सा हो गया, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या आरबीआई देता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, कह रहा है साख पत्र यानी कि LIC दिया जाता है, बताओ भाई, ठीक ना। कह रहा है एक निर्यातक द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, या कह रहा है सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, या कह रहा है जहाँ जहाजी कंपनी द्वारा, ठीक ना, LIC है, ठीक ना, LIC नहीं, LIC है, ए बी सी डी। बताओ भाई कौन सा सही हो गया, चलिए बोलो। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, एक आयातकर्ता द्वारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली, बताओ भाई। 1964, 1993, 1994, 2001, ए बी सी डी। बताओ भाई कौन सा हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 1993 में। अगला प्रश्न देखो क्या क्या कह रहे, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, बताओ भाई। कृषि तथा संबंधित क्षेत्र से, कह रहा विनिर्माण निर्माण तथा बिजली गैस से, या कह रहा सेवा क्षेत्र से, कह रक्षा तथा लोक प्रशासन से, ए बी सी डी। फटाफट बताओ कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अरे इतना सिंपल नहीं है, सी नंबर, ठीक है ना, सेवा क्षेत्र भी बताया, उस दिन एक्सप्लेन भी किया था। बताओ भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रा स्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है, बताओ भाई। कह रहा है मूल सूचकांक, थोक मूल सूचकांक, उपभोक्ता मूल सूचकांक, कोई नहीं, ए बी सी डी। बताओ कौन सा हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, थोक मूल सूचकांक, बी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, बताओ भाई। कह रहा सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर, मार कर यानी कि जिस टोल टैक्स, ए बी सी ए डी, बताओ भाई। भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो श्रृंखला चल रही है, जितना भी नया कैंडिडेट जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो हमारा ताकि टेस्ट दे सको हम, समझ में आया ना। बताओ भाई कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। मार्ग कर जो होता है तो कर कौन सा राज्य गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है ना, डी नंबर से होगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक बताओ, SBI, LIC और GIC, IDBI ये उपयुक्त सभी, ए बी सी ए डी, बताओ कौन से हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, उपयुक्त सभी, डी नंबर से हो गया। आज के इतना ही, आज के लिए इतना ही, अब बाकी परेशान होइए, मैं सारी की सारी इकोनॉमिक कंप्लीट करवाऊंगा, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो पोर्शन भी कंप्लीट करवाऊंगा, जहाँ से दो चार क्वेश्चन आते हैं वो वहाँ उसको भी कंप्लीट करवाऊंगा। देखो चूँकि हमें क्या करना, हमें एक एक चीज़ें देखनी है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बने तो उसको हम कर सकें, ठीक है ना। ये मतलब नहीं रखता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं तो इसको नहीं पढ़ना, पढ़ना है, शायद वहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो फिर क्या करोगे, परेशान हो जाओगे ना, इसलिए क्या करना है, पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। आज के लिए इतना, इसी हो, बाय, टेक केयर।